నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మేము ఎన్ఎన్ఎల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాను నేను. సార్ చెప్పండి సార్. అయితే ఇది ఏదైతే మీరు ఇక్కడ స్వీట్ చేస్తున్నారో ఇవి నేను ఇంతకుముందు మీ వీడియోలు చూడటం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే చాలా మటుకు చాలా బాగున్నాయి, చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చూపించారు. అయితే మాకు హైదరాబాద్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అందరూ తెలుగు మాట్లాడతారనే కాకుండా మరి ఉర్దూ హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అవును సార్ వాళ్ళకు కూడా నేను తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంతో నేను సో ఇదే ఏదైతే వీడియో మీరు ఈ ఇక్కడ స్వీట్లు చేయడం చూపించారో వేరే యూట్యూబ్ వాళ్ళకి సార్ సో నేను కూడా ఇది మీకు ఉర్దూలో నేను చేద్దామని ఉద్దేశంతో మీరు ఎరగొచ్చాను. తప్పకుండా సార్. అలాగే సార్. మీ పేరు సార్? నా పేరు అక్బర్ అలీ సార్. మేరా నామ్ అక్బర్ అలీ హే. ఓకే. तो मेरा नाम नरसिम्हा. हमारा तो एनएनएल ऑल इन वन यूट्यूब चैनल है सर. बोलो भाई. सो आप लोग जो स्वीट जो बनाते हैं ना, पहले जो हमारा नेटिव प्लेस तो इस तरफ ही आंध्र के तरफ है. अच्छा. तो हमारा रिश्तेदार जो हमारे घर के पास आए तो आपके पास ये माल ले लेके आते थे, वो हम लोग खाते थे. हैदराबाद आए तो भी इधर से मंगा के दिए थे हमारे को. अच्छा अच्छा. बहुत पसंद है. लेकिन हमारे को नहीं मालूम कैसा बना रहे, कब बना रहे, कहाँ बनाते भी नहीं मालूम. नहीं मालूम. अच्छा. सो बाद में यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद जैसा मालूम हुआ. अच्छा. तो जब से मेरे को कैसा भी रा के शूट करना बोल के मेरे को ये इंटरेस्ट है. जी बोलो. तो ये प्रोडक्ट तो मैं इतना आंध्र में तेलंगाना में कहीं भी नहीं देखा. जी. तो ये नगरम में कैसा पहले आया थे सर? ये नगरम में ये एक टाइम में वो बर्मा से थोड़े लोग आए थे. हाँ. बर्मा से इधर आगे बर्मा से आके बर्मा का आइटम है ये. हाँ हाँ. ये हिंदू का आइटम नहीं है, मुसलमान बर्मा का आइटम है. अच्छा. ये घर्राज बोलते इसको. घर्राज. ये स्पीड को घर्राज बोलते. असल नाम वही घर्राज. ये घर्राज है. मेन नाम इसका घर्राज है. घर्राज. ये घर्राज का ऐसा चीज़ है. ये अपने शादी में बारात में आइटम देते हैं. ये फेमस आइटम. अच्छा. ये बारात में लोग को लेके आके बनाने करा के वो शादी में बारात में देते हैं आइटम. ये मुसलमान का आइटम है. ये आइटम अब ऐसा फेमस हो गया है. अब हिंदू लोग भी है, सब लोग है. हिंदू मुसलमान क्या है, ये सब लोग है. ये अच्छे कामों को लेके जाके अब वो हिंदी वो बिंदे में बिंदा इधर आजुक बाजुक लोग क्या है वो सारी बोलते, सारी बोल के लेके जाके दे रहे अब. अच्छा. वो लेडीज़ के तरफ वाले को जेंट्स लेके जाके देते हैं. स्पीड है बहुत फेमस मशहूर स्पीड हो गया अब. अच्छा. पहले से अब मशहूर हो गया. इसका नाम घर्राज है. इसको पिचुक गुल्लू बोल के भी बोलते इसको. पिचुक गुल्लू बोले तो मतलब क्या है कि तो चूड़ी का घुसला है ना. हाँ हाँ. घुसला जैसा रहता बोल के इसको पिचुक गुल्लू बोल के नाम रखा. मैं तो आप इस लगाए मैंने रखा नाम. एक कस्टमर आके ये क्या है ये बोल के घर्राज बोले तो समझ नहीं आ रहा उसको. समझ नहीं आया तो उसको समझाने के लिए मैं पिचुक गुल्लू बोल के इसका नाम रखा. ये ऐसी फेमस मशहूर हो गया ये आंध्रा का नगरम. ये नगरम है. ये नगरम बोले तो किसको भी नहीं मालूम पहले. ये अब ये नगरम का घर्राज बोले तो हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर लोग को मैक्सिमम है. 99% हर एक को मालूम है इसका बारे में. तो आप जो नाम ही बदल दिया समझना. घराज नगरम बोलना, फिर नगरम को घराज नगरम बोलना. हाँ. यूट्यूब में नगर नगरम मानने साथ तुझे नगर का आइटम पूरा आएगा. अच्छा. नगरम घराज मानने साथ मेरा आइटम आएगा. ऐसा यूट्यूब में. अच्छा. और ऐसा पब्लिसिटी हुआ ये आइटम है. अब खाली नहीं है, अब फुल है. ये दो शॉप, एक दो शॉप रहते पहले, अब 40 शॉप है नगरम में. तो 40 जाकर जब वहीं बनाते आपको सप्लाई. वो 40 शॉप वाले होलसेल मैं सिखाया था थोड़े लोग को. हाँ. वो लोग होलसेल लेडीज है, लेडीज को सिखाए तो वो लोग होलसेल देते. वो 40 लोग को भी होलसेल लेके जाके बेच लेते थोड़ा थोड़ा. अब आप कैसा है बोले तो अब होशियार होके थोड़ा सीख लेके मेरे पास आके फिर भी जेंट्स लोग भी इधर एक दो शॉप लोग है. हाँ. वो थोड़ा आटा लेके बैठ के शाम का टाइम में ऐसी बना रहे. हाँ. पब्लिक को हमें भी बना रहे बोल के नहीं मालूम होने के लिए थोड़ा आटा लेके बाहर का माल है थोड़ा आटा लेके बैठ के बना रहे तो समझ लेता पब्लिक मैं भी बना रहा हूँ यहाँ आज तैयार होता है बोल के समझ लेते पब्लिक. ऐसी बना रहे यहाँ. ये करेक्ट नहीं है. ये थोड़ा एक दो पैकेट बनाते बस सुबह से शाम तक. वो लोग हम सुबह से शाम तक ये काम है हमारा, दूसरा काम नहीं है. ये माल बनाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं? ये माल बनाने के लिए चावल का आटा और शक्कर है. हाँ. दो आइटम है. ये चावल का आटा क्या करना, चावल है सुबह में भिगाना. हाँ.
रात में भिगा देना चावल, पाँच केजी चावल भिगा के रात में उसको पानी निचड़ के पूरा पानी निचड़ना, निचड़ के कूटना है। ये मशीन रहता आटा कूटने का मशीन है, वो मशीन में डाल दे। अच्छा, अपने पास है मशीन, चार मशीन है अपने पास घर में, वाला घर में चार मशीन है, चार मशीन में आटा कूटते है एक टाइम में। पहले में अब है तो मशीन आए है, पहले मशीन नहीं हाथ से कूटते थे, वकली बोलते ना, वकली में रुकली में टाइम लगता, टाइम बहुत ज्यादा लगता, कम तैयार होता था। अब ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा तैयार करते हैं, कम टाइम में अगला काम होता है। नेक्स्ट क्या हो गया तो ये चावल का आटा, आटा कर देता हूँ मशीन है, उसको छानना है कपड़े में रख के, क्लाथ में रख के छानना है। अच्छा भी बारीक काजल के जैसा आटा निकलना है। वो आटे को क्या करना, वो शक्कर का पाकम चढ़ाना है। अच्छा, पहले चढ़ाना, हाँ, थोड़ा पानी डाल के उसमें, थोड़ा लाइट होने, अगला पानी नहीं डालना, थोड़ा पानी डाल के वो शक्कर का पाकम चढ़ाना है, वो तीखी पाकम आता हो। तो ये आटा भी स्वीटी रहता, स्वीटी से स्वीटी से इसमें तो मिला देते हो, पाकम में डालने की जरूरत नहीं, इसमें मिला देते हो, पहले मिला देते। हाँ, अब वो क्या करते, वो पाकम मिलाते ना, वो चावल का आटे में डाल देते। अब एक पाँच किलो का आटा है, पाँच किलो का आटे को तीन किलो शक्कर है, आठ किलो, तीन किलो शक्कर है, पाकम मिला के पाँच किलो का आटे में डाल देना। डाल दे के खूब मिला देना, थोड़ा पानी उसका, उसे पकड़ को उसका अंदाजा से पानी मिलाना उसमें। पानी मिलाने से वो तीखी रहता, दार आता ऐसा, बारीक दार आता ऐसा, तो दार आने के बाद बारीक दार आएगा वो आने से जब गरज बनाते। ये आइटम है, दूसरा क्या भी नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9581729552। अच्छा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी लगा देंगे उसमें, तो पब्लिक को मालूम है। हर एक इसमें वो मेरे को पसंद क्या बोलते हो, बहुत कम रहता स्वीट है ना, वो तो कम स्पीड है, मीडियम स्पीड डालते, मीडियम स्पीड रहता, अगला स्पीड नहीं डालते इसमें, तो ज़्यादा लोग अभी खाने को और खाना बोलना बोल के खा सकते, कम स्पीड डालते, कम स्पीड अगला स्पीड डाले तो एक पीस से ज़्यादा नहीं खा सकते। कैसा भी होना बोले बना सकता मैं, अगला स्पीड भी डाल सकता, कम स्पीड भी डाल सकता। नेक्स्ट गुड़ का भी बनाता, शक्कर का भी बनाता, गुड़ का भी बनाता, घी का बनाता, जैसा होना है ऐसा ऑर्डर पे बना के देता। और ये कितने जैसा भी रहता है, ये माल है, पाम ऑयल तेल से बनाते हैं हम, लोकल बेचने के लिए। अगर से ऑर्डर कोई भी देने से रिफंड ऑयल है, सनफ्लावर है और घी डाल के ऐसा बनाते, वो अगले दिन रहता। ये कुछ कम 20 दिन में ये लाइट होने, ऑयल का स्मेल आएगा। वो आइटम है ना, अच्छा तेल डाल के बनाने से 20 दिन में भी कुछ भी नहीं होगा। फ्रेश आइटम 20 दिन के बाद भी खाओ ना, फ्रेश आइटम दिखता। ये 10 दिन तो ये कुछ कम, ये 15 दिन तक परवानी है, ये आइटम है 10-15 दिन तक परवानी, खा सकते, उसके बाद तेल का बासा बू आएगा। मेरे ख्याल आप भी जरा हमारा हैदराबाद वालों को जरा वहाँ भी कुछ बना के अगर वे तो इधर से आने को जरूरत नहीं रहता। इधर मेरा मोबाइल नंबर को फोन कर देते, अकाउंट में पैसे डाल देते लोग, तो आपको मैं इधर से बस को माल भेज देता। बहुत से होते हैं ऐसा, अच्छा। चल रहा अब फिलहाल लॉकडाउन में जरा स्लो हुआ, लॉकडाउन में लॉकडाउन से परवा नहीं, अब थोड़ा बहुत जा रहा। हैदराबाद से ज़्यादा आ रहा है मेरे को, हैदराबाद लोग मेरे को फोन कर देते, अकाउंट में डाल देते पैसे। फेस्टिवल के टाइम पे जब होना है जब भेज देता मैं, हाँ, बड़े साइज लेके जाते, 15 रुपये वाले या 20 रुपये वाले गर्राज दूसरा गांव लेके जाते, हैदराबाद ऐसी दूसरा गांव भेजता। किस लिए बोलते, डैमेज नहीं रहता बड़ा, 15 रुपये 20 रुपये का पीस में क्या डैमेज नहीं रहता, एक पीस भी डैमेज नहीं होता, सुथरा नीट होने पार्सल करके भेज देते। ट्रैवलिंग चार्ज वो लोग कुछ रख लेते, भेज देते हम। अभी बनाए सो एक आइटम दीजिए। हाँ जी, लिस्ट निकाल लो वीडियो। हाँ, ये सब गारा जी लोग बनाए सो, ये देखने से ऐसा ऐसा बोलो तो ऐसा चमक रहा, तो ये खा के आपको मैं कैसा है इसको बताएंगे। ना नरम है बोल तो, अच्छा मुंह में डाल दिया तो ऐसा चले जा रहा अंदर, खाने को जरूरत नहीं, अच्छा उसको पीना बोल पी सकते डायरेक्ट।
मुँह घुल जा रहा बोल रहा हूँ। जैसा दूध पी सकते ना वैसा पी सकते बोल रहा हूँ। ये खाने को दांत का जरूरत ही से हाँ खाली जबान से चले जा रहा अंदर ही नहीं इतना मैं स्वीट बोल रहा हूँ बहुत स्वीट हो मालूम मेरे को हैदराबाद में खाने से ये अलग बात है बोल रहा हूँ। तो मैं हैदराबाद वालों को ऐसा जो कुछ जिसको मालूम है उन लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं सबके लिए नगर हमको ऑर्डर दे रहे फ़ोन कर रहे। अरे जिसको नहीं मालूम मैं उन लोगों को मैं ये डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर भी लगा देंगे आपको जो ऑर्डर दिए तो उन लोग पार्सल करेगा तो हैदराबाद तक पहुँच जाएगा। तो इनका पैसा डालने का आजकल तकलीफ नहीं इससे पहले तो मनी ऑर्डर करने का था अभी तो मोबाइल में जी पे है गूगल पे है फ़ोन पे है हर टाइप का प्रोसीजर है पेमेंट करने के लिए। तो बाहर वालों पेमेंट कर सकते हैं इनके नंबर से तो इन्हें एड्रेस पे आपको पहुंचा जाएगा आपको तो एड्रेस पे आपको पार्सल मिल जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साहब मैं एक बार धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक है धन्यवाद है तो यूट्यूब के लिए अपना कोऑपरेशन दे रहे बोले तो आपको जो बिजनेस भी और आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं हर चीज़ नया आइटम नया सबको बताना नया क्या बताना तो ये नया आइटम है आपको पुराना होगा हैदराबाद वालों को नया अभी बहुत से लोग को नया आइटम है ये नया आइटम है बहुत से लोग को नहीं मालूम है ये आइटम का बारे में। हमारा द्राक्षारा में गाँव है एक स्वीट स्टॉल है उसका स्वीट स्टॉल का नाम ही नया माल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह नया माल नाम ही ना है नया माल है तो ये भी नया माल ही आपको मैं बोलूँगा आप बहुत बेहतरीन है आप बोल रहे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है।